मीडिया टेक 8300 Ultra थ्री डबल ग्रेड प्रोसेसर जो कल ही लॉन्च हुआ है और रेडमी K17E में मिलने वाला है आज मैं रेडमी K17E का परफॉर्मेंस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट डिटेल में बताने वाला हूँ मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑफम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं जैसे कि आपको पता ही है हाल ही में मीडिया टेक ने अपना फ्लेक्सी प्रोसेसर डिमेंट सिटी को लॉन्च किया था जो पावरफुल परफॉर्मेंस और लो पावर कंजम्पन के साथ आता है और इस प्रोसेसर में परफॉर्मेंस तो किलिंग मिल जाता है लेकिन मीडिया अभी सेटिस्फाइड नहीं था तो कल मीडिया टेक ने डिमेन सिटी एट थ्री डबल जीरो अल्ट्रा दूसरा पावरफुल e में मिलेगा और ये है Redmi K17E जो फिलहाल लॉन्च सबसे पहले Dimensity 8300 सिटी के स्पेक्स से शुरू कर लेते हैं सीपीयू से स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड की मिल जाती है चिपसेट में A715 बिग कोर मिल जाता है

पावर कंजशन होगा और रैम एलपीडी डीआईर फाइव एक्स का सपोर्ट मिलेगा और स्टोरेज जीओ फोर पॉइंट ओ का सपोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ पे फ्लेक्सिप चिपसेट जितना ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस फोन के अंदर लॉट स्पेक्स एंड फीचर्स भी मिलने वाले हैं तो सबसे पहले रेडमी e के score देखते हैं तो यहाँ पे 1 million के ऊपर मिल जाता है मिड रेंज प्रीवियस जनरेशन डिमेन्सि एट टू डबल जीरो का स्कोर देखे तो यहाँ पे नाइन लैक्स के अराउंड मिलता है और ये प्रोसेसर रेडमी नोट ट्वेल्व टी में देखने को मिला था आप यहाँ पे Snapdragon एट प्लस जेन वन का स्कोर भी देख सकते हैं मिलियन तक मिलता है और यहां पे गीकबैच 6 का स्कोर भी देख सकते हैं सिंगल कोर का 1484 पॉइंट्स मिलता है और मल्टी कोर का 4769 पॉइंट्स तक मिल जाता है 3D मार्क वाइल्डलाइफ टेस्ट देखे तो 3020 पॉइंट्स तक मिल जाता है जो अच्छी बात है जो डीमेन 8200 एट टू डबल जीरो में वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट्स ही मिलता था यानी यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट इम्प्रूवमेंट मिल जाता है और यहाँ पे बेंच मार्क टेस्ट तो थियोरिकल परफॉर्मेंस ही कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं तो चलिए रेडमी के ई में गेमिंग टेस्ट देखते हैं सबसे पहले ओनर ऑफ किंग फोन में वन ट्वेंटी ए सेटिंग पे खेल सकते हैं तो यहाँ पे थर्टी मिनट्स खेलने के बाद फ्रेम रेट वन हंड्रेड तक मिल जाती है और एवरेज पावर कंजम्पसन फोर पॉइंट तक ही होता है फोन में फ्रंट का टेम्परेचर 43.2 डिग्री तक जाता है और बैक का टेम्परेचर 43.6 डिग्री तक जाता है तो इस गेम में तो परफॉर्मेंस सुपर मिल जाता है अब हाई ग्राफिक गेम कैंजिन इंपैक्ट का टेस्ट देखते हैं इस गेम में हाइस्ट क्वालिटी सिक्सटी ए तक खेल सकते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 55.7 फाइव एफपीएस तक मिल जाती है, मिलती है। लेकिन बाद में फोन का टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा देखने को मिलेगा और पावर कंजम्पन सिक्स पॉइंट तक होता है टोटल पावर कंजम्पन बैटरी की बात करें तो फिफ्टीन तक यूज हो जाती है और फ्रंट का टेम्परेचर फोर्टी डिग्री तक जाता है और बैक का टेम्परेचर फोर्टी डिग्री तक जाता है लेकिन इस गेम में पावर कंज